Good morning, students. Today I will discuss about uh, chapter number nine, biomolecules. Student, what do you mean by biomolecules? Chemical or molecules present in living organism are known as the biomolecules. Especially organic molecules present in our body is known as the biomolecules biomolecules are divided into two types one is in uh, organic second is organic inorganic biomolecules include minerals gases water organic and organic biomolecules including carbohydrate fat protein nucleic acid and vitamin etc now student clear it डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स कैन बी क्लासीफाइड एज एलडी हाइड कीटोन एरो कंपाउंड एज कैमिकल फॉम जैसे हम केमिस्ट्री में बात करते हैं तो एल डी हाइड कीटोन एरोमेटिक कंपाउंड ये सब हमारे केमिकली फॉर्म में यूज़ होते हैं लेकिन जैसे हम बायो की बात करें बायो केमिकल फॉर्म में तो हम अमीनो एसिड की बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं फैटी एसिड की बात करते हैं और इन सब को मिला के हम बायो केमिकल फॉर्म बनाते हैं जैसे अमीनो एसिड है तो अमीनो एसिड जब बहुत सारे अमीनो एसिड मिल जाते हैं एक चेन बन जाती है तो हम अमीनो एसिड फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है इसी तरह से न्यूक्लियोटाइड डी एन एंड आर एन ए ठीक है ये न्यूक्लियोटाइड्स की स्मॉलेस्ट यूनिट है ये और फैटी एसिड इसी तरह से फैटी एसिड का हम यूज़ करते हैं और जैसे फैटी एसिड ग्लिसरॉल फैटी कंपाउंड्स बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ठीक है बच्चों बायो मोलिक्यूल्स आर डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरी वन इज़ माइक्रो मोलिक्यूल्स एंड सेकेंड इज़ द माइक्रो मोलिक्यूल्स इनके साइज़ के अकॉर्डिंग इनको दो फॉर्म में डिवाइड किया गया ठीक है अगर वन थाउजेंड डेल्टन से साइज़ कम होता है तो हम माइक्रो मोलिक्यूल्स में यूज़ करते हैं इफ़ साइज इज मोर देन वन थाउजेंड वन थाउजेंड से जाता है ठीक है डेल्टन तो हम मैक्रोमोलोलिक्यूल्स में काउंट करते हैं क्लियर स्टूडेंट अब इसमें आते क्या क्या है माइक्रोमोलिक्यूल्स में वाटर गैसियस सुगर अमीनो एसिड सुगर न्यूक्लियोटाइड्स ये स्मॉलेस्ट यूनिट कहाँ पे यूज होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स में एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड क्लियर एक्सेप्ट लिपिड माइक्रोमोलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ सब यूनिट कार्ड मोनोमर देखो बच्चों कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड इन सब में मोनोमर यूनिट है ठीक है जैसे कार्बो कार्बोहाइड्रेट में हम मोनोसेक्राइड यूज़ करते हैं वो मोनोमर यूनिट है प्रोटीन में हम अमीनो एसिड को यूज़ करते हैं न्यूक्लिक एसिड में हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियोटाइड को ठीक है ये इनकी स्मॉलेस्ट यूनिट है जो बार बार में रिपीट होती है और एक पोलिमराइजेशन चेन बन जाती है लेकिन लिपिड में कोई सिंगल इस तरह से मोनोमर यूनिट नहीं होती लेकिन फिर भी इसका वेट ज़्यादा आता है ऐसा क्यों क्योंकि जैसे लिपिड है तो लिपिड हमारी मेम्ब्रेन में इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाता है देखो जैसे ये हमारी मेमब्रेन है सेल मेम्ब्रेन तो इसमें इस तरह से एक हेड और एक हाइड्रोफेबिक टेल के साथ इस तरह से मिलता है ठीक है जब ये क्रश करते हैं हम इस स्ट्रक्चर को तो ये हमारे पास ये, ये बायो जो सेल मेम्ब्रेन है ये कट हो जाती है और जैसे मान लो ये यहाँ से कट हो गई ब्रेक हो गई तो ये वाला पार्ट जो बच गया बीच में ये इस तरह से वेसिकल फॉर्म में आ जाता है और जब ये वेसिकल फॉर्म में आ जाता है तो इसका जो मास है वो काफ़ी हैवी हो जाता है और इस वजह से ये मैक्रोमोलिक्यूल्स में काउंट होता है लेकिन इसकी सेपरेट कोई भी मोनोमर यूनिट नहीं होती क्लियर अब कह रहे हैं प्रोटीन और पोलीमर ऑफ अमीनो एसिड अमीना एसिड आर लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड अब दो मान लो अमिनो एसिड है हमारे पास और अगर उनको आप कनेक्ट करोगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी पेप्टाइड बॉन्ड क्लियर एंड ये पेप्टाइड फॉर्मेशन कैसे हुई यहाँ पे हमने डिहाइड्रेशन कर दिया मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया लुक एट दिस रिएक्शन स्टूडेंट देखो ये हमने एक अमीनो एसिड लिया ये यहाँ तक ठीक है और ये एक सेकेंड न्यूक्लिक एसिड अमीनो एसिड ठीक है दो अमीनो एसिड लिए हमने इनके बीच में क्या कर दिया यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ से रिमूव कर दिया जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव होगा तो जो ये रिएक्शन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी ये एक पेप्टाइडल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी ये देखो सीओ और एनएच के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई है क्लियर बच्चों अब बात कर रहे हैं देखो न्यूक्लिक एसिड हम केमिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि केमिकली बायोमोलिक्यूल्स कैसे एक दूसरे में बॉन्डिंग फॉर्म से कैसे कनेक्टेड होते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड के बीच ये अमीनो एसिड के बीच में लगता है अब जैसे एक बॉन्ड यूज़ होता है फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड अब फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ पर यूज़ होता है ये देखो जैसे आपने डी एन ए का स्ट्रक्चर पता है कि जो डी एन ए है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है इस तरह से ठीक है ये डबल है स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे इसकी जो तो चेन है ठीक है जो ये चेन है जैसे ये वन थ्रेड ये सेकेंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम पोजिशन पे होता है दूसरा इसके अपोजिट होता है थ्री प्राइम टू फाइव प्राइम इस तरह से इनकी नेमिंग की जाती है अब ये कह रहा है कि फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स लाइक थ्री प्राइम ये प्राइम है सी ऑफ शुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइट टू फाइव प्राइम ऑफ शुगर टू द नेक्स्ट न्यूक्लियोसाइट अब थ्री टू फाइव के बीच में जो ज्वाइनिंग कनेक्शन है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करके थ्री टू फाइव फॉस्पोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ जाते हैं ठीक है तो ये यहाँ पे कहने का मतलब क्या है बच्चों कि जो न्यूक्लिक एसिड है वहाँ डी एन एंड फॉर्मेशन बनती है वहां पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड यूज होता है एंड इन केस ऑफ द पोलोसेराइड द मोनोसेकर जो सिंगल मोनोसेकर वो लिंक होते हैं कैसे बाई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से फॉर्म बाई डीहाइड्रेशन बिटवीन टू कार्बन एटम ऑफ टू एडजेक्ट मोनोहाइ मोनोसेकेराइड देखो हमने ये दो मोनोसेक्राइड्स लिए ये जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ठीक है और ये मोनोसेक्राइड जैसे हम माल्टोज बना रहे हैं ठीक है माल्टोज में इनकी सब यूनिट क्या होती है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोस ठीक है तो हमने एक ये स्ट्रक्चर लिया और एक ये रिंग स्ट्रक्चर लिया और यहाँ पे वन फोर पोजिशन पे हमने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया क्लियर ये अल्फा स्ट्रक्चर है तो इसकी नेमिंग हम किस तरह से कर देंगे कि अल्फा वन फोर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन आ गई इस मोनोसेक्राइड के बीच में क्लियर नाउ स्टूडेंट थैंक यू एंड हैव ए नाइस स्टूडेंट